अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। कल मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि इन 20 डेज में मैं आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाऊंगा, और उस हवाले से एक और वीडियो ये मौजूद है जिसमें मैं कंप्लीट शेड्यूल बता रहा हूँ कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, किस तरह से आप टेस्ट देंगे, एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे और किस तरह से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए ज़रा उस जो है प्लान के हवाले से देखते हैं कि भाई वो क्या प्लान है और हम किस पर काम करके हम अपना जो कोर्स है उसे कंप्लीट करेंगे और आप इंशाल्लाह ताला इम्तिहान में जो है एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज और ग्रेड लेकर आएंगे। तो 20 डेज चैलेंज के हवाले से मैंने आपको बताया ये मई 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है हम अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे इसी टाइम ड्यूरेशन में। सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरह काम करेंगे, ठीक है। और एक और ख़ास बता दूं कि मैं आपके साथ थ्रू आउट द टाइम पेपर्स में आपकी हेल्प करवाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। हेल्प का मतलब ये नहीं कि नकल करवाऊंगा, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, बिल्कुल भी। अगर आप इस नीयत से ग्रुप में इनरोल होंगे या कोर्स में इनरोल हो रहे हैं कि भाई सर को एमसीक्यूज़ का पेपर भेज देंगे और सर सेट कर देंगे, तो प्लीज़ आप इनरोल ना होइएगा और मुझसे किसी भी किस्म की इस तरह की उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा पेपर में, यानी पेपर सॉल्व करने में। खबरदार, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये हराम काम है और मैं इसमें बिल्कुल भी आपकी मुआवनत नहीं करूँगा, ना किसी किस्म की चीटिंग करवाऊँगा, ना पेपर सॉल्व कराऊँगा। आप पढ़कर पेपर देना चाहते हैं तो ग्रुप में कोर्स में इनरोल हो जाएं। सबसे पहले देखें कि भाई जून 2 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रिटेन अर्निंग का और बैंकिंग का चैप्टर 1 चैप्टर 2 करवाऊँगा। देन इसके बाद आपके पास उस दिन आपके पास दो काम है। जून की 3 को हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 आपके पास आएगा और सीजी का चैप्टर 1, 2, 3, 4। फिर जून की 4 को नॉन प्रॉफिट कंसर्न पढ़ेंगे और बैंकिंग में चैप्टर 3, 4, 5। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में फिर चैप्टर 2 हमारा जून 5 को होगा। फिर जून 6 को हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर इसके बाद बैंकिंग का चैप्टर 6, 7, 8 है। फिर जून की 8 को सिंगल एंट्री और स्टैटिस्टिक्स, यानी हम 8 दिनों में इंशाल्लाह ताला जो है अपने 4 जो हैं वो जो कोर्स हैं सब्जेक्ट के हवाले से बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स के 4 टॉपिक हम अकाउंटिंग के पढ़ लेंगे और 3 टॉपिक हम स्टैटिस्टिक्स के पढ़ लेंगे और बैंकिंग के भी अच्छे खासे चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इसके बाद 9 तारीख को स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 4 होगा और सीजी का चैप्टर 9 होगा। देन ये फॉर्मेशन सारा अच्छा। इसके बाद आपके पास 18 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं तो उस एग्ज़ाम्स से पहले हम पेपर भी लेंगे, यानी ख़ुद यहाँ पर मैं आपका मॉक एग्ज़ाम लूँगा, फिर आप पेपर में जाएंगे और इस तरह टिल दी एंड आपके पेपर्स।